दोस्तों आज की वीडियो कक्षा 9 से लेके कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आप एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लेके 11,000 रुपए की राशि है वो प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको भी 11,000 रुपए की राशि प्राप्त करनी है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। इस वीडियो में मैं आपको इस निबंध प्रतियोगिता के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा कि ये निबंध प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित होगी, कैसे होगी और हम कैसे 11,000 रुपए की राशि है वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी ए से लेके जेड तक पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 11,000 रुपए की बात करते हैं। दोस्तों यदि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के विद्यार्थी हैं वर्तमान में, तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की निबंध प्रतियोगिता में भाग लेके 11,000 रुपए की राशि वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मामला क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ये निबंध प्रतियोगिता वो क्यों आयोजित है, वो करवाई जा रही है। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या RBC बोर्ड अजमेर के द्वारा ये जो निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है, ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे है वो करवाई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जो मृत्यु है वो 21 मई 1991 को हो गई थी, तो अब उनकी 30वीं जो पुण्यतिथि है वो मनाई गई है। बस इसी को लेके यानी उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर RBC बोर्ड के द्वारा निबंध प्रतियोगिता वो आयोजित करवाई जा रही है। तो ऐसे में इस निबंध प्रतियोगिता के अंदर जो वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी हैं वर्तमान सेशन के अंदर, वो इस प्रतियोगिता में भाग लेके 11,000 रुपए की राशि वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी राशि की, फिर मैं आपको बताता हूँ कि निबंध कैसे लिखा जाएगा, किस टॉपिक पे लिखा जाएगा और कैसे इनाम की राशि मिलेगी। देखिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा दो वर्ग बनाए गए, एक वर्ग है यहाँ पे जूनियर वर्ग और दूसरा है सीनियर वर्ग। जूनियर वर्ग के अंदर कक्षा 9 से लेके कक्षा 10 के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है और सीनियर वर्ग के अंदर कक्षा 11 से लेके कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को यहाँ पे शामिल किया गया। इसमें से किसी भी कैटेगरी के कोई भी जो स्टूडेंट है इस प्रतियोगिता में वो भाग ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले विजेता को यानी निबंध प्रतियोगिता के अंदर जो प्रथम रहेगा उसको 11,000 रुपए की राशि मिलेगी, द्वितीय स्थान पर रहेगा उसको 5,000 रुपए की राशि मिलेगी और तृतीय स्थान यानी तीसरे स्थान पर रहेगा उसको 3,000 रुपए की राशि मिलेगी। और प्रत्येक वर्ग यानी कक्षा 9 से लेके कक्षा 10 और कक्षा 11 से लेके कक्षा 12 तक यहां पे दो वर्ग बनाए गए, प्रत्येक वर्ग के 10-10 विद्यार्थियों को यहाँ पे 1,000-1,000 रुपए की जो राशि है वो भी इनाम के द्वारा दी जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे बोर्ड के द्वारा इस निबंध प्रतियोगिता का एक प्रमाण पत्र है वो भी विद्यार्थी को वो दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि निबंध है वो किस पे लिखाना पड़ेगा, इसका टॉपिक है वो क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास टॉपिक होना चाहिए तभी तो अपन निबंध है वो लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा जो टॉपिक रहेगा, साथ साथ में आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो और यहाँ पे टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत के स्वप्न द्रष्टा श्री राजीव गांधी जी, यानी राजीव गांधी जी के ऊपर ही आपको ये निबंध लिखना है। और इसकी जो शब्द लिमिट है भैया वो 500 शब्द है, यानी आपको 500 वर्ड से ज्यादा ये निबंध वो लिखना नहीं। अब देखिए ये कहां पे आयोजित होगी, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं, ये जो निबंध है आप अपने एक घर पे ही किसी प्लेन जो कागज है सादे कागज पे आप लिख सकते हो और उनको मेल आपको करनी पड़ेगी, कहीं पर आपको नहीं जाना है। मेल एड्रेस है साथ साथ में आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो और मैं भी आपको यहां पे बता देता हूं seniorad@gmail.com। इस मेल पे आपको 20 जून तक आपको मेल कर देना, यदि आप 20 जून के बाद मेल करते हो, 20 जून 2021 की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, आपको इस मेल आईडी पे 20 जून तक मेल आपको कर देना, उसके बाद है आपकी जो मेल है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि 20 जून से पहले पहले आप अपना जो निबंध लिख के है वो आपको मेल करना है, उसके बाद उनका जो रिजल्ट है वेबसाइट पर ही घोषित हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में आप और ज्यादा अधिक पढ़ना चाहते हैं तो भैया आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। वहां पे आप जब होम पेज पे जाओगे तो इस निबंध प्रतियोगिता के बारे में आपको पूरी जानकारी हो मिल जाएगी। चलिए
अब अपन यहां पे बात करते हैं कि जब भी आप निबंध लिखो तो सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है यानी आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा श्री राजीव गांधी जी, इस टॉपिक को ही आपको यहां पे लिखना है। अब लिखोगे कैसे? देखिए वैसे तो आप किसी टीचर की है वो सहायता ले सकते हैं, और वैसे हमारा गूगल बाबा है भैया, देखिए गूगल, मैं गूगल की बात कर रहा हूं, उस पर जाके सर्च कीजिएगा और राजीव गांधी जी के ऊपर है सर्च कीजिएगा और अच्छी अच्छी चीजें वो लिखेगा। ऐसा नहीं कि आपने वेबसाइट पे गया वहां से कट कॉपी पेस्ट के निबंध लिख दिया, नहीं, उसके अंदर कुछ लिखना चाहिए, कुछ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इस विद्यार्थी ने कोई अच्छा निबंध लिखा, वरना भैया सिलेक्शन है वो नहीं होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है और शब्द लिमिट की भी आपको ध्यान रखना है, और साथ में आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब भी आप यहां पे निबंध लिख रहे हो एक सफेद पन्ने पे तो आपकी जो हैंडराइटिंग है ना वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे हैंडराइटिंग का भी सिलेक्शन है वो किया जाएगा, तो बिल्कुल साफ सुथरी आपको करनी है। मान लीजिए आप यहां पे अगर आप कंप्यूटर पे लिखना चाहते हो तो उसकी भी आपको पीडीएफ फाइल बना के भेजनी है। अगर आप यहां पे पेपर पे लिख रहे हो, लेकिन यहां पे आपको एक राय दूंगा क्योंकि बोर्ड के द्वारा ऐसे स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा गया है कि आप इसको सिस्टम या किसी फाइल में वर्ड फाइल में भेज सकते हो, उन्होंने बिल्कुल यहां पे साफ साफ कहा कि आपको हैंड राइट में बिल्कुल साफ साफ लिखना है। तो मैं आपको यहां पे राय दूंगा कि ये जो निबंध है जो आप अपने एक पेज है कॉपी का पेज ले लीजिएगा, या अगर आपको एक प्लेन पेज मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उस पे आप है वो लिख लीजिएगा और बिल्कुल साफ साफ लिखना है। उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, फोटो है मोबाइल में उतार लेना है, पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन है उसकी मदद से आप कन्वर्ट वो कर सकते हो। उसके बाद उस पीडीएफ फाइल को आपको उस मेल में है वो भेज देना। जब भी आप निबंध लिखो तो निबंध के ऊपर सबसे पहले आप अपना नाम लिखे, पिता का नाम लिखे, अपना मोबाइल नंबर लिखे, और साथ में वर्तमान में किस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उस स्कूल का पूरा नाम आपको यहां पे लिखना। अगर ये अधूरा लिख दोगे तो मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो भैया आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि आपका नाम का नहीं पता होगा, पिता का नाम का नहीं पता होगा, स्कूल का नाम का नहीं पता होगा। तो ऐसे में निबंध लिखने से पहले ऊपर अपना एड्रेस है वो जरूर लिखे, एक चालू मोबाइल नंबर है वो आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बोर्ड के द्वारा आपको कॉल पर भी सूचित है वो किया जाएगा। तो ऐसे में आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। तो भैया ये तो है निबंध प्रतियोगिता आरबीसी बोर्ड अजमेर की। अगर आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो और 11,000 रुपए की राशि प्राप्त करना चाहते हो तो भैया 20 जून से पहले पहले आपको आरबीसी बोर्ड की जो मेल आईडी है जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मेल आईडी है वो मिल जाएगी। 20 जून से पहले पहले आप अपना निबंध है अच्छी तरह से लिख के साफ सुथरी राइटिंग में लिख के आपको मेल है वो कर देना है, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो भैया 11,000 रुपए की राशि वो प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, देखिए सभी स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होना है, यहाँ पे पहले तो 3 जो कैंडिडेट है वो चुने जाएंगे, जहां पर पहले को 11,000, दूसरे को 5,000, तीसरे को 3,000, इसके बाद 10-10 कैंडिडेट को यहाँ पे 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो बहुत सारी संख्या में अपने पूरे राजस्थान या पूरे भारत से आवेदन है जो कि आरबीसी बोर्ड के अंदर वर्तमान में अध्ययनरत आवेदन आने वाले हैं, तो ऐसे में भैया कंपटीशन थोड़ा हार्ड होने वाला है। लेकिन यार घबराने की आवश्यकता नहीं है, गूगल बाबा बैठा है, सोच समझ के और किसी टीचर की सहायता लेके आपको ये निबंध लिखना है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बस जानकारी तो मुझे ये देनी थी, तो बताना आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी स्टूडेंट में है वो आपको शेयर है वो कर देना है, ताकि भैया उनको भी पता लग जाए, हो सकता है कि आपका लक नहीं हो आपके साथी का लक है वो निकल जाए। ये मैं सोच रहा नहीं मेरे साथी को क्यों मिले, मैं ही लूंगा, तो ये तो आपकी लक है भैया। लेकिन मैं तो आपको यही कह सकता हूं कि वीडियो को आप शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन वो आपको है वो मिल जाते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।